हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मटर की कचौड़ियाँ। आप लोगों ने उड़द की दाल की, आलू की और तरह तरीके की कचौड़ी खाई होंगी, लेकिन आज हम लोग बनाने जाएंगे मटर की कचौड़ी। तो चलिए बनाते हैं मटर की कचौड़ियाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग बनाएंगे मटर की कचौड़ी। इसके लिए मटर हमने थोड़ी सी पीस ली है, हरी मटर छीलकर। ये है हरा धनिया, सौंफ, ये मिर्च, हरी मिर्च, जीरा है, लाल मिर्च है, नमक है और आमचूर पाउडर है, थोड़ा सा, थोड़ी सी सौंफ है और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट लेंगे हम लोग और थोड़ी सी एक पिंच हींग लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मटर की कचौड़ी के लिए आटा तैयार हो चुका है। ये हमने गूंद के रख दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम मटर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख ली है यहाँ पर मटर की फिलिंग तैयार करने के लिए। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। फिर इसमें हम जीरा डालेंगे। डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भुनने देंगे। फिर यहां पर हम हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छी तरीके से चलाते रहें ताकि ये जो चिपके नहीं। फिर हम इसमें मटर को ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें आमचूर पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च प्लस नमक ऐड कर देंगे थोड़ा। अब इसको अच्छे से चला लेंगे और हम भून लेंगे इसको। ये देखिए, अब ये रेडी है मटर की फिलिंग भुनकर। अब हम इसमें हरा धनिया मिला देंगे। और इसको ठंडा होने के लिए 5-10 मिनट के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम अपनी कचौड़ियाँ भरेंगे। यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है ऑयल डालकर और यहाँ आटे को सेट कर लिया है। बहुत ज़्यादा आटे को मैश नहीं करेंगे वरना कचौड़ियाँ उतनी खस्ता नहीं बनेंगी। फिर इनकी छोटी छोटी लोई तैयार कर लेंगे। और इनमें मटर की फिलिंग को थोड़ा थोड़ा सा भर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से भर लेंगे।
इसी तरीके से हम सभी कचौड़ियों का तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने कचौड़ी की सारी लोइयों में फिलिंग भर ली है। अब हम इनको बेलेंगे और सेकेंगे। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है, चलिए इनको बेलते हैं। इनको बहुत ही हल्के हाथ से बेलेंगे, नहीं तो ये फूट जाएंगी। ये देखिए, हमने इन्हें ऑयल में डाल दिया है। ये देखिए, ये हमारी मटर की फिलिंग इनमें भरी हुई है। और ये टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन कचौड़ी लगती हैं। आप इन्हें चाय के साथ ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अपने अपने घरों पे एक बार आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा। अभी मटर का सीजन है तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन जब मटर नहीं भी होती है तो हम लोग जो है फ्रीज़र वाली मटर बाद में मिलती है गर्मियों में, हम लोग उससे भी बना सकते हैं बाद में। लेकिन मटर की कचौड़ी, हम लोग आलू की कचौड़ी, दाल की कचौड़ी, कई तरीके की कचौड़ी खाते हैं। बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे ऐसे मटर नहीं खाते, लेकिन आप उनकी कचौड़ी बनाकर उनको दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो रही हैं। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो रही हैं और सिक चुकी हैं लगभग। फ्लेम को थोड़ा सा हम धीमा कर देते हैं, क्योंकि वरना ये जलने लगेंगी। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ, गर्मा गर्म मटर की कचौड़ी तैयार है। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको इनकी फिलिंग दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी खस्ता कुरकुरी, बहुत ही अच्छी यम्मी सी कचौड़ी बनी है। आप भी अपने घरों पर बनाकर ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये है मटर की कचौड़ी खट्टी मीठी चटनी के साथ, आप लोग भी खाइए।